आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जो शीशा होता है आईना, आईनीकरण क्या होता है। आईने के अंदर हम दूसरे रंग तो देख सकते हैं। जब भी आप किसी आईने को देखते हैं तो आपको लगता है कि इसका रंग चांदी के जैसा है। वैसे आपकी ये सोच गलत नहीं है, बिल्कुल सही सोच है। आईने ज़्यादातर चांदी या उसके जैसी धातुओं के बने होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम। लेकिन वास्तव में आईना उसके सामने रखी हुई किसी भी चीज़ का रंग है। अगर आप आईने को नीली दीवार के सामने रखेंगे तो वह भी एक नीली दीवार की तरह ही दिखेगा। अगर आप उसके सामने पेड़ को रखेंगे तो आईना भी एक पेड़ की तरह ही दिखेगा। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं तो 10 लाख रंगों में से कोई भी रंग की हो सकती है। आसानी से समझने के लिए हम किसी एक रंग को लेते हैं, जैसे हमने ये रंग ले लिया लाल। हम उसे देखकर कहेंगे कि यह लाल रंग लाल ही क्यों है। किसी भी चीज़ का रंग उसके प्रकाश के अवशोषित ना होने पर निर्भर करता है। जब प्रकाश किसी भी चीज़ से टकराता है तब स्पेक्ट्रम के सभी रंगों में से नीले रंग को छोड़कर सभी रंग अवशोषित होते हैं। आईना प्रकाश को केवल एक ही दिशा में प्रतिबिंबित करता है, वेरस पिगमेंट प्रकाश को हर दिशा में प्रतिबिंबित करता है। इसी वजह से आप जिस कोण से आईने में दृश्य को देखते हैं उसी कोण का दृश्य आपको दिखता है। इसे स्पेक्युलर प्रतिबिंब कहा जाता है। अगर आप किसी प्रकाश के स्पेक्ट्रम को देखते हैं जो सफ़ेद रंग के या सफ़ेद रंग को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, आईने से आ रहा है, तो आप पाएंगे कि आईना 510 नैनोमीटर रेंज के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है, जिसे हम हरे प्रकाश के रूप में देखते हैं। इसका मतलब आईना विजिबल स्पेक्ट्रम में हरे रंग के प्रकाश को अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में ज़्यादा प्रतिबिंबित करता है। तकनीकी रूप से बनाया हुआ हर आईना थोड़ा हरे रंग जैसा दिखता है। आप इसे घर पर बैठे हुए किसी भी तरह की जानकारी के बिना भी साबित कर सकते हैं। आप दो आईना लीजिए और दोनों के दूसरे के सामने रख दीजिए। यहाँ आपको मिरर टनल नाम की घटना होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर दोनों आईनों के प्रतिबिंब एक दूसरे के अंदर अनंत लंबाई तक जाते हुए दिखने लगेंगे। जब भी आप आईने में मिरर टनल देखते हैं तो आप नोटिस करें कि हर एक प्रतिबिंब टनल में आगे जाते हुए उसकी थोड़ी रोशनी घुमा रहा है। यह तस्वीर हमें कम प्रकाशित और हरे रंग में दिखेगी। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।